जीवन में डरना ज़रूरी है क्या? मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज़ है। आप कहेंगे जोधपुरिया जी ज़िंदगी में थोड़ा सा डर तो होना चाहिए, लेकिन मेरा वक्तव्य इसे बिल्कुल अलग है। जो डर गया सो मर गया। जीवन है बिना डर के, जीवन है निर्भय होने का नाम। कैसे निर्भय जीवन जिया जाए और डर गए तो क्या होगा, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस अद्भुत वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जो डरते हैं, चाहे किसी बीमारी से डरते हों, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अनजानी सी अनचाही सी खतरनाक बीमारी हो जाने का डर मन में पाले रखते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग HIV एड्स से बचने की कोशिश करते रहते हैं कि उनको हो ना जाए, या उन्होंने किसी के साथ संबंध बना लिए, किस कर लिया, हाथ मिला लिया तो उनको बीमारी हो सकती है, HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खतरा रहता है कि उनको रेबीज ना हो जाए। कभी बार कुत्ते ने टच कर लिया, कुत्ते ने मुंह लगा दिया, कुत्ते ने लार लगा दी, कहीं से निकलेंगे तब भी उन्हें आभास होता है कि कुत्ते ने टच कर दिया, कुत्ते ने उनको काट लिया, तो बार बार उस घाव को पट्टी करते रहेंगे। घाव तो वास्तव में होता ही नहीं, उनके मन में घाव होता है। या एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाते रहेंगे, गूगल पे पढ़ते रहेंगे। ये बीमारी एक और भी पाल लेते हैं साथ के साथ, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। इतना एनालिसिस करते हैं कि मन पैरालाइज ही हो जाता है। तो इनको रेबीज होने का खतरा बार बार मन में रहता है। डॉग से इनको फोबिया हो जाता है, कुत्ते से ये डरने लग जाते हैं। काल्पनिक रूप से भी, कुत्ते की तो आवाज़ ही नहीं सुन सकते, इतने से कुत्ते से डरने लग जाते हैं। छोटे से डॉगी से जो प्यारा होता है, सभी उसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन ये उससे दूर भागते हैं। वास्तव में तो कुत्ते इंसान से डरते हैं, लेकिन कुछ इंसान होते हैं वो कुत्तों से भी डर जाते हैं। तो ये अद्भुत दास्तान उनके जीवन में घट जाती है। दिखने में बड़े प्रोफेशनल लगेंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग मैन लगेंगे, 100 किलो 200 किलो की भी हो सकते हैं, लेकिन मात्र 2.5 किलो के कुत्ते से ये डर जाते हैं। तो ये मानसिक एक रोग है, डॉग फोबिया है, डॉग OCD है। इसमें और जो OCD की चीज़ें जुड़ती हैं, उसमें कैंसर होने का डर हो सकता है, HIV होने का डर हो सकता है, और कोई ख़तरनाक बीमारी होने का विचार इनके मन में बार बार आता ही रहता है। उस विचार को निकालने के लिए बड़ी परेशानी उठाते रहते हैं, टेस्ट भी करवाते रहते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते रहते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको डर रहता है कि उनको सफेद दाग ना हो जाए, चमड़ी का कोई रोग ना हो जाए, कोई टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, तरह तरह के वो वहम अपने मन में पाले रखते हैं। तो इसका इलाज किया जा सकता है मात्र 5 दिनों में, और वो भी बिना दवाइयों के, क्योंकि इंसान उलझ जाता है दवाइयों के चक्कर में और अधिक बीमार हो जाता है। तो 5 दिनों में साइकोथेरेपी के द्वारा इसका इलाज संभव है, जिसमें CBT, CDT, ERP थेरेपी और बहुत सारी ऐसी थेरेपी है जिनके द्वारा इसका इलाज किया जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसमें साइको गुरु टीम द्वारा करवाया जाता है। उसमें दूसरी थेरेपियाँ शामिल रहती है, स्पिरिचुअलिज्म की मदद ली जाती है, जिसमें मन को कैसे समझना है, विचारों को कैसे समझना है, डर को कैसे समझना है, वास्तव में डर क्या रियल है या फेक है, क्योंकि रियल डर को नाम दिया जाता है, डेंजर या खतरे को, इसमें खतरा कितना है, और डर तो होता ही साइकोलॉजिकल है, इस कंसेप्ट को गहराई से समझ लिया जाता है। गीता थेरेपी में बताया गया है कि मरने वाला कौन है, डर क्या है, अर्जुन ने कैसे युद्ध किया, क्योंकि उनके जिनको ये OCD है उनके लिए युद्ध यही जीवन जीना होता है, इन्हीं कंसेप्ट को समझना ही उनके लिए युद्ध होता है। तो ये मात्र 5 दिनों में अंजाम दिया जाता है साइको गुरु टीम द्वारा। हर महीने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, मार्च महीने में तारीख रहेगी 25 से 29 मार्च, बाकी महीनों में तारीख जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, आप इन वीडियोज़ के लिए समय देते हैं, इसके लिए साइको गुरु, इसके लिए राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से आभारी हूँ। खुद की गलतियों से चलना सीख, मोहब्बत से सबकी झोलियां भरना सीख। खुद की गलतियों से चलना सीख, मोहब्बत से सबकी झोलियां भरना सीख। क्या रखा है पत्थरों की इस बेअसर इबादत में, असर चाहता है तो खुद की इबादत करना सीख। कैसे करें खुद की इबादत, कैसे हम लोग खुश रहे, कैसे जीवन में खुशहाली आए, आ नहीं रही खुशियां, जीवन बिल्कुल नरक बन चुका है, मानसिक समस्याओं ने घेर लिया है, हम लोग मानसिक रोगी बन चुके हैं। OCD, फोबिया, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अनिद्रा, विचारों से परेशानी, किसी के बारे में नकारात्मक बुरे विचार आना, जैसे सेक्सुअल थॉट्स, मरने मारने के विचार और भगवान के प्रति बुरे विचार, मन उदास रहना, आत्महत्या के विचार, बार बार हाथ धोना,
चेकिंग करते रहना, बीमारी से डरते रहना आदि रोगों ने जीवन को दुभर बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मानसिक रोगों का इलाज बिना दवाई के 5 से 7 दिन में बहुत ही आनंद के साथ ये रोग चला जाए, तो आप आ सकते हैं साइको गुरु टीम के पास। और यह इलाज साइकोथेरेपी के साथ योगा, मेडिटेशन, प्ले थेरेपी, डांस थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, माइंड पावर और वह अन्य और भी थेरेपी द्वारा होता है। इसके साथ पर्सनल काउंसलिंग राजेंद्र जोधपुरिया के साथ पूरी साइको गुरु टीम द्वारा दी जाती है। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस खुश रहा करो। खुशी के लिए आइए, साइको गुरु टीम आपका वेलकम करती है, स्वागत करती है, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।